भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और सुधीर शर्मा की फिल्म सैया अरब गई नैना, जी हाँ, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो चलिए आज ट्रेलर रिव्यू भी करेंगे, साथ ही साथ उसके पहले आपको बता दें कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अभय सिन्हा हैं। यश फिल्म के, जी हाँ, अभय सिन्हा हैं। और अभय सिन्हा के आप लार्जर देन लाइफ जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं भोजपुरी की, आप समझ सकते हैं। फिर साथ ही साथ ये एक लव स्टोरी है, साथ ही साथ ये आपको बता दें एक लव स्टोरी है, और किस तरह से हमारे देश से दूसरे देश जाने के बाद वहाँ मजदूरों की क्या स्थिति होती है, इस स्थिति को दर्शाया गया है इस फिल्म में। और राजू के कैरेक्टर को खेसारी लाल यादव ने बखूबी निभाया है। आपको बता दें कि सैया अरब गई नैना खेसारी का एक बहुत ही फेमस गाना है, और उसी गाने के टाइटल को लिया गया है इस फिल्म में। श्याम देहाती का और आज़ाद सिंह का म्यूज़िक है, श्याम देहाती और आज़ाद सिंह का म्यूज़िक है, मनोज कुशवाहा की स्टोरी है, और एक्शन भी इस फिल्म में कमाल का है। फिल्म रोमांटिक है, काजल और खेसारी का रोमांस चलता है, तो वहीं खेसारी जब विदेश जाते हैं तो सुधीर शर्मा से उनका रोमांस चलने लगता है। फिल्म में गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, और दुबई के अलग अलग जगहों पर लोकेशन ली गई है, जो वो बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही अपने देश के जो मजदूर हैं वो विदेश जब काम करने जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इस स्थिति को दर्शाया गया है ट्रेलर में। ओम झा का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत है। एक गाना है जहाँ पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पहले पटना वाली थी, अब गुजरात वाली है, और फिर उसके बाद ये गाना आगे चल के हो सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्में मोस्ट ऑफ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं। यहाँ इशारों इशारों में ही अक्षरा और काजल राघवानी की बात हो रही है। फिल्म में एक्शन भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। फिल्म में जो स्टोरी दिखाई गई है वो लव स्टोरी है, कि अपने प्यार को पाने के लिए खेसारी लाल यादव कमाने के लिए अरब देश चले जाते हैं, और वहाँ किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, कैसी कैसी साजिशों में फंसते हैं, और फिर कैसे निकलकर वो बाहर आते हैं अपने प्यार के पास। स्टोरी यही है, ट्रेलर एक नंबर है। आप देखने के बाद आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आएगी, साथ ही साथ इसमें जो डायलॉग हैं वो भी बहुत अच्छे बोले गए हैं। हाँ, ये बात और है कि वो शायरियों के रूप में ज़्यादा बोले गए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, रोमांटिक गाने बहुत अच्छे हैं। काजल और खेसारी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आपने अगर ये ट्रेलर नहीं देखा है अभी तक तो जाइए ट्रेलर देखिए, और हम इस ट्रेलर को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार।